इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल में आपके साथ में हैज़त कैबिनेट की बात करें। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश में संचालित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा कर उनके अनुभवों और बदलावों का साझा करने व उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन को बेहतर एवं सम्मानजनक बनाए जाने के अनुक्रम में आज 31 मई मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को संबोधित किया तथा चयनित हितग्राहियों से संवाद भी किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मंगलवार को नगरपालिका परिषद नीमच द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में दिखाया गया। आयोजन में प्रधानमंत्री आवास शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी अमृत योजना व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित 13 हितग्राही मूलक योजनाओं को सम्मिलित किया गया। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, पूर्व भाजपा अध्यक्ष हेमंत अहरित, भाजपा नेता महेंद्र भटनागर, विजय बापना, मंडल अध्यक्ष सहित जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद, नगर पालिका सीएमओ सीपी राय एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनके 8 वर्ष पूरे होने पर जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनका जो लाभ लोगों को मिला है और 75 वर्ष स्वतंत्रता के होने पर अमृत उत्सव मनाया, इसके तहत आज जितने भी देश में जो लोगों को लाभ मिला है उनके लघु भारत के दर्शन आज हमने यहाँ बैठे बैठे किए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने संबोधित किया, फिर देश के देव दुर्लभ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया और देश में जहाँ जहाँ योजनाएं पहुँची है उसका लाभ दिलाने का काम जिन हितग्राहियों से हुआ उनसे सीधा संवाद किया और उनने बोला है कि जिनके भी सर पर छत नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है, जो वंचित रह गए हैं उनको भी देने का अभी संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी लिया, हर घर नल पानी पहुंचाने का हम देखते हैं। भारत स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया मगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई, देश के प्रधानमंत्री जी ने आज घर घर नल पहुंचाने का काम किया है जिससे कि टोटी खोलकर माताएं बहनें पानी भर सकें। प्रत्येक गांव में, नीमच जिले में भी गांधी सागर का पानी प्रत्येक गांव में पहुंचेगा, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं जिले के लोगों को। आप देख रहे हो कि जो जनधन खाते गरीबों के खुले हैं उन जनधन खातों में योजनाओं का पैसा डायरेक्ट चलता है और पूरा पैसा पहुँचता है। पहले बीच में भ्रष्टाचार हो जाता था, पारदर्शी व्यवस्था के तहत उनने घर घर जो जनधन खातों में गरीबों को पैसा पहुंचाने का काम किया। यही नहीं उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहुंचाए, यही नहीं अभी हम देख रहे हैं कि जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी वापस प्रारंभ कर दी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को। देश का विकास सर्वांगीण हो रहा है, भारत का मान आज पूरे विश्व में बढ़ा है और भारत एक शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, जहाँ रहते हो उसको आत्मनिर्भर बनाना, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल को प्रोत्साहन दें। जो कुम्हार, सुथार, लोहार जो दैनिक चीज़ें बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, लोहार बनाता है, वो अपना काम करता है, उनको उपयोग करने की अपील देश के प्रधानमंत्री जी ने आज की है। मैं निश्चित ही आज कोई गरीब बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपये का कार्ड उसकी जेब में रखा है, वह गरीब अपना इलाज करा सकता है। जो गंभीर बीमारी होती है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उनको कराने का, उसको इलाज कराने का काम करते हैं। सड़कों का विकास आ रहे पूरे मध्य प्रदेश में और देश में हो रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सड़कें नीमच में भी बन रही है। अभी आप चले जाओ ग्वालटोली से ठेठ जावत तक प्रधानमंत्री सड़क बन रही है, यहाँ चले जाओ आप बघाना से नए गाँव तक प्रधानमंत्री सड़क बन, तो प्रधानमंत्री सड़कों के माध्यम से गाँव और शहरों की दूरी कम करने का काम देश के देव दुर्लभ प्रधानमंत्री ने किया। अपडेट लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।